This is lecture number 2 for class 10th. My dear students, as you know, we started unit 1 in the previous class and we discussed the topic the voice of God. And in this video, inshallah ta'ala, we will discuss another topic of unit 1, that is the wise caliph. So please take out your books and open page number 3. The unit is starting with pre-reading questions. Means you have to answer these questions before reading the text. Question number 1 is, what are some qualities of a good person? What are some characteristics of a bad person? Should people who do bad things always be punished? If yes, why? If no, why not? So you have to write the answer of these questions on a separate paper, and when you come in the school, so I will check your answers. All right, now I start the unit, that is the wise caliph. The wise caliph means ek zaheen aur akhalmand aur danishmand khalifa. Okay, Caliph Harun al-Rashid was very popular with his people. He was very concerned about their problems and their welfare. खलीफा हारून और रशीद बहुत ज़्यादा लोगों में मकबूलियत उनको हासिल थी, बहुत मशहूर थे और वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे जो लोगों की मसाइल को लेकर और उनकी परेशानियों को लेकर. तो अक्सर ऐसा होता, वो क्या करते, एट नाइट ही वुड डिसगाइज हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन एंड गो थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बगदाद. तो रात के टाइम में वो ऐसा करते कि भेस बदलते अपना, डिसगाइज का मतलब भेस बदलना, वो अपना भेस बदलते और लोगों के दरमियान चले जाते, बगदाद की गलियों में चले जाते. ही वुड मिंगल विद कॉमन पीपल इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम. और जाके ना लोगों में घुल मिल से जाते ताकि वो उनके मसाइल, उनके परेशानियों को उनमें रहकर जान सकें, समझ सकें. उनको ऐसा लगता था कि हो सकता है कि लोग उनके पास ना आते हों हिचकिचाहट में अपने मसाइल लेकर. तो उन्होंने ये एक तरीक़ा अपनाया कि वो रात को भेस बदलते और लोगों के दरमियान में चले जाते, उनमें उठते बैठते ताकि वो जो भी बातें करें आपस में अपने मसाइल को लेके, परेशानियों को लेके, वो उसको जान सके और उनको हल कर सके. ही वॉज ऑल्सो नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम. वो अपनी जहानत की वजह से और अपनी दानिशमंदी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे और बहुत ज़्यादा इज्जत उनकी की जाती थी इस वजह से. वन डे व्हेन ही वॉज होल्डिंग कोर्ट द काजी ब्रॉट टू मैन बिफोर हिम. तो एक दिन ऐसा होता है कि वो अपनी अदालत में होते हैं और कोर्ट कचहरी जिसको हम कहते हैं, वो अपनी अदालत में होते हैं तो जो उनका काजी होता है वो दो लोगों को उनके सामने लेकर आता है. वन ऑफ देम वॉज वेल ड्रेस्ड एंड अपेयर टू बी अ वेल टू डू रिस्पेक्टेबल सिटीज़न. अब एक जो उसमें से शख्स होता है वो बहुत अच्छा लिबास उसने पहना हुआ होता है और देखने से बहुत मौज़ शहरी लग रहा होता है. और जबकि वाइल द अदर वॉज इन रैग्स एंड सीम टू बी अ बैगर. और जो दूसरा शख्स होता है वो फटे पुराने कपड़ों में होता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो फ़कीर है या भिखारी. Along with these two men, a beautiful white horse was also brought in. अच्छा, अब इन दो लोगों के साथ, ये दो लोगों को तो जो है वो काजी जो है वो लेकर आता है, जिसमें से एक जो है वो रिस्पेक्टेबल सिटीज़न होता है, देखने में लग रहा होता है अच्छा लिबास उसके लिबास से, उसके अंदाज से, और दूसरा जो है वो फ़कीर सा लग रहा होता है. और साथ में एक सफ़ेद आला नस्ल का घोड़ा भी होता है, वो उसको भी वहाँ पर ले आता है. द काजी अप्रोच्ड द कैलिफ एंड सेड. अब काजी जो है वो कैलिफ से मुखातिब होता है और उनसे कहता है, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, आई हैव ब्रॉट बिफोर यू अ डिस्प्यूट विच आई हैव नॉट बीन एबल टू सेटल. तो वो ये कहता है कि ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, आज मैं आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आया हूँ जिस मसले को मैं खुद से हल नहीं कर सका. इट्स अ डिफ़िकल्ट केस. असल में ये जो केस होता है वो नहीं सॉल्व कर पाता, तो कहता है ये एक मुश्किल पेचीदा केस है. बट आई एम सर्टेन दैट विद योर नॉलेज एंड विजडम यू विल बी एबल टू रिजॉल्व इट इन अ जस्ट एंड फेयर मैनर. मैं तो इस मसले को हल नहीं कर पाया लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि आप अपनी जहानत से, आप अपनी नॉलेज से इस मसले को बहुत ही ईमानदारी के साथ, इंसाफ के साथ और अच्छे तरीके से, फेयर मैनर में आप इसको रिजॉल्व कर देंगे.
What is the dispute? Asked the caliph. These two men here are fighting over this horse. Each of them claim and swears that this horse is his. वो फिर अब मसला बताता है. वो कहता है कि देखें, ये दोनों हजरात जो यहाँ पर खड़े हैं, ये इस घोड़े को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं और दोनों ही इस बात का दावा कर रहे हैं और कसम खा रहे हैं. अमीर आदमी कह रहा है ये घोड़ा मेरा है, और जबकि जो फ़कीर दिखता है वो भी ये कह रहा है कि ये घोड़ा मेरा है. Step forward. The caliph ordered the well-dressed men and let's hear what you have to say. तो खलीफा जो है उस आदमी से मुखातिब होके जिसने अच्छा लिबास पहना हुआ है, तो कहते हैं कि आगे आएं और बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं. The men say to the caliph, O leader of the faithfuls, I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. तो वो ये कहते हैं, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरी बात पर यकीन करें, जो भी मैं आपके सामने कहूँगा वो सच होगा. Now turn the page. This morning, when I was riding to the city, I saw this beggar limping along ahead of me. On hearing the sound of my horse hoofs, he turned round and motioned to me to stop. वो कहता है कि आज सुबह जब मैं शहर की तरफ अपने घोड़े पे सवार होकर जा रहा था, मैंने इस फ़कीर को देखा कि ये क्या कर रहा है. ये लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है. Limping means लंगड़ाना. On hearing the sound of my horse hoofs, मेरे घोड़े की टाप की आवाज़ सुनी. जो घोड़ा दौड़ता है तो आवाज़ आती कैसे? तो उसने कहा मेरे घोड़े की टाप की आवाज़ इसने सुनी. He turned round and motioned to me to stop, और मुझे इशारा किया कि मैं रुक जाऊँ. I pulled the reins of my horse, मैंने क्या किया, अपने घोड़े की लगाम को खींचा. He begged me to give him a ride up to the city gate. He was lame. I felt sorry for him. तो उसने मुझसे गुजारिश करी कि भाई जनाब आली, मुझे ज़रा सिटी गेट तक घोड़े पे आप आगे तक छोड़ दें. तो क्योंकि वो रंगड़ा था तो मुझे उस पर रहम आ गया. So I pulled him up behind me on the horse. तो मैंने क्या काम किया, उसको पकड़ा, उसका हाथ थामा और उसको ऐसे ऊपर खींच लिया और कहा कि ठीक है आ जाओ घोड़े पर मेरे साथ पीछे बैठ जाओ, और मैंने घोड़ा चलाना शुरू कर दिया. When we reached the city gate, I stopped and turned around to help him get down. He refused to dismount. अब क्या होता है कि मैं कह रहा हूँ मैं घोड़ा चलाता रहा और उसके बाद फिर हम फाइनली सिटी गेट पे पहुँच गए. तो मैंने उसकी तरफ मुड़ के देखा, मैंने कहा चलो भाई मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम घोड़े से उतरो. तो उसने घोड़े से उतरने से इनकार कर दिया. रिफ्यूज़ का मतलब इनकार कर देना, मना कर देना, और डिसमाउंट का मतलब किसी भी सवारी से नीचे उतरना. आई वॉज पजल्ड, मैं बहुत चौंक सा गया, कन्फ्यूज सा हो गया. एंड जेंटली टोल्ड हिम टू गेट डाउन बिकॉज वी हैड रीच्ड द सिटी गेट. तौर से कहा इज्जत के साथ कि भाई आप जो है घोड़े से नीचे उतरें क्योंकि हम यहाँ पहुँच चुके हैं. ही नॉट ओनली रिफ्यूज टू गेट डाउन बट इंस्टेड ही क्लेम दैट द हॉर्स बिलोंग टू हिम. ना कि सिर्फ उसने घोड़े से उतरने से मना किया, बल्कि क्या कहा, ही क्लेम दैट, उसने इस बात का दावा किया कि ये जो घोड़ा है ये उसका है, यानी कि उस फ़कीर का. ही सेड दैट ही हैड गिवन मी अ राइड एंड इंस्टेड ऑफ बींग ग्रेटफुल I was robbing him his horse. और उसने मुझसे ये भी कहा कि भाई मैंने जो है वो आपको जो है वो राइड दी है, बजाय इसके कि आप मेरे शुक्रगुजार हो, आप मुझसे मेरा घोड़ा छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं. The caliph then turned to the man in rags and said, What do you have to say? उसके बाद ये होता है कि जो खलीफा होते हैं वो उस शख्स की तरफ देखते हैं, यानी कि जिसके फटे पुराने कपड़े होते हैं और जो बुरा देखने में लगता है, और उससे कहते हैं जो फ़कीर देखने में लग रहा होता है कि तुम बताओ तुम क्या कहना चाहते हो. अब फिर वो आगे आता है और वो अपनी बात कहता है, और इंशाल्लाह जो वो क्या कहता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.